बीजेपी जी देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कर रही है, लोकतंत्र लिए खतरा बनी हुई है। मैं समझता तानाशाही का सबूत जोड़ा है वो अच्छ बीजेपी दे रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जिन्हें भी ईमानदार लोग ने गे उन्होंने लगातार एक एक करके अदालतों सुट रही है, क्योंकि बीजेपी जी बुखलाहट के डरी हुई है। बीजेपी पार्टी भी कह रही है जे तुम सही हो तो फिर तो डर क्यों रहे हो, तो कार्रवाई होएगी तो देख देखा जाएगा किमें दी होंगी। बिल्कुल नहीं डरते जी, बीजेपी की हर गल का जवाब देवे। पूरा देश जानता गा कि कांग्रेस पार्टी ने रच के करप्शन की, उस तरह अज बीजेपी देश अंदर करप्शन कर रही है। अज देश की पार्लीमेंट के अंदर जिस गल दे लई लोग जदोजहद कर रहे हैं कि किस तरह अडानिया नूं एक बड़ा पैसा लुटाया जा रहा। बिल्कुल पंजाब जिहड़ी पंजाब की धरती है, गुरुआं पीरां की धरती है, उन्होंने गैंगस्टरां तो मुक्त करावांगे और पंजाब के अंदर साफ सुथरा प्रशासन काम कर रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, तुहाडे नाल तस्वीर सांझी करदे आं ते गलबात कराउंदे आं, तां इस बाबत की कहना उन्हां दा सारा। तो कुछ समय तक जो प्रोटेस्ट के शामिल हुए ने हरपाल चीमा जी, इन्हां दे नाल गलबात करके समझण की कोशिश करांगे कि किवें देखदे ने आम आदमी पार्टी का की रहेगा। लगता है कि हुण लोग जिहड़े भाजपा आ भाजपा इस इकट्ठ तो कुछ समझेगी जां उन्हां जो तुसीं समझाना चाहुंदे हो देखेगी। देखो भाजपा दीआं लोक मारू नीतियां नूं लै के असीं गली तो लैके सड़क तो लैके संसद तक अपना मार्च करांगे, संसद तक अपना रोस प्रगट करांगे। साडे चुने हुए जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने वो देश की पार्लीमेंट के अंदर और चुने हुए विधायक साडे ने अपनी अपनी विधानसभावां दे अंदर और साडे वर्कर वलंटियर जिहड़े सड़कां दे उत्ते इस गल लई प्रोटेस्ट करनगे किस तरह बीजेपी जिहड़ी आ उह देश दे अंदर लोकतंत्र नूं खत्म कर रही है, लोकतंत्र लई खतरा बनी हुई आ। मैं समझदा तानाशाही का सबूत जिहड़ा हैगा वो अज बीजेपी दे रही है, उहदियां कालियां करतूतां नूं लोकां चलंगे कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी का डिजाइन जिहड़ा गा वो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के जिन्हें भी ईमानदार लोग ने गे उन्होंने लगातार एक एक करके अदालतां सुट रही है, क्योंकि बीजेपी जिहड़ी बुखलाहट के बच्चे डरी हुई है। कल्ली आम आदमी पार्टी आ जिन्हें पंजाब के अंदर सरकार बनाई है, दसां सालों के अंदर दिल्ली के सब तो पहला सरकार बनाई और गुजरात के अपोजिशन बैठे हैं और देश के अंदर आम आदमी पार्टी जिहड़ी तेजी नाल वधदी हुई पार्टी आ। सो इसे गल करके उन्होंने अपनी जिहड़ी सियासी जमीन खत्म हो रही है, खुश रही है बीजेपी की, उस तो बुखलाहट के आके इस तरह के घटिया सोच का प्रगटावा जी बीजेपी करन दी गल की आ। बीजेपी पार्टी भी कह रही है जे तुसी सही हो तो फिर तो तुसी डर क्यों रहे हो, तो कार्रवाई होएगी तो देख ले देखा जाएगा किवें दी हुंदी है। बिल्कुल नहीं डरते जी, बीजेपी की हर गल का जवाब देवे, बीजेपी नूं लोकां दी कचहरी च लंघे करांगे और बीजेपी का पर्दाफाश करांगे कि किस तरह बीजेपी ने अपने अडानिया अवानिया बड़े बड़े जिन्हां ने अरबां खरबां रुपए के कपले किए उन्हां ते डिबेट कराउण तों भज रही है। उन्हां जिहड़े उन्हां दे अपने लोग ने गे जिन्हां ने देश की आर्थिकता नूं तोड़िया, जिन्हां दे वड्डे वड्डे करजे माफ़ होए, जिन्हां ने देश की आर्थिकता नूं बर्बाद किया उन्हां नूं बचा रही आ। और जिहड़े लोग देश भगत ने गे जिहड़े देश के बच्चों अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, देश के बच्चों की जिहड़ी आ उहदा भविख बना रहे हैं, उन्होंने लिए जी बीजेपी अच्छ खतरा बनी हुई है। गर्म हवावां जरूर चल रही ने जो आम आदमी पार्टी के नाल उत्थे चल रहा, भावें एक्साइज पॉलिसी होवे जां एजुकेशन पॉलिसी होवे, उन्हूं लैके लगता कि यह गर्म हवावां दा सेक पंजाब दे विच भी पहुंचेगा, पंजाब दे मंत्रियां ते भी हाथ पएगा। देखो बीजेपी जिन्हें मर्जी अपने हथ कंडे अपना ले, साडा एक वलंटियर तो लैके साडे पार्टी के सुप्रीमो तक अरविंद केजरीवाल जी चट्टान वांग लोगों के नाल खड़े हैं और लोगों के नाल खड़े रहेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी जो कुछ मर्जी कर ले असी अपनी लड़ाई जिहड़ी आ ओह लोक हितां विच जारी रखांगे। जदों इह धरने कांग्रेस दे वल्लों कीते जा रहे सी उहनां दे जदों विजिलेंस दी लगातार जिहड़ी कारवाइयां हो रही, तुसीं उस समय कह रहे सी कि कांग्रेस जिहड़े कि चोरा ठगा दा साथ दे रही, जे तुहानूं उच्च न्यायालय ते विश्वास है तां तुसीं क्यों अज वेट वी तां करनी चाहीदी सी इस चीज़ दी। देखो पूरा देश जाणदा गा कि कांग्रेस पार्टी ने रच के करप्शन की, उस तरह अज बीजेपी देश अंदर करप्शन कर रही है। अज देश की पार्लीमेंट के अंदर जिस गल दे लई लोग जदोजहद कर रहे हैं कि किस तरह अडानिया नूं एक बड़ा पैसा लुटाया जा रहा, किस तरह लोगों का आम लोगों का पैसा जिहड़ा हैगा उत्थे लुटाया जा रहा है। दूजे पासे असी आम आदमी पार्टी के वो लोग ने गे जिहड़े लोगों के बच्चों लिए अच्छी सिक्ख्या का प्रबंध कर रहे हैं, जिहड़े लोगों की सेहत सेवावां दे लई उन्हां दे लई महला क्लीनिक खोल रहे हैं,
चाहे महला क्लीनिक खोलने वाले ने गए, चाहे अच्छे स्कूल खोलने, उन्होंने तो अंदर किया जा रहा। जिहड़े बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया लेके भज रहे ने, बीजेपी उन्होंने प्रोटेक्ट कर रही है। देखो जी गैंगवार पंजाब के अंदर गैंगस्टर जोड़े ने गे, वो पिछली सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार आ चाहे अकाली दल की बीजेपी की सरकार आ, उन्होंने उस समय पंजाब के अंदर गैंगस्टर पैदा किए और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बतौर मुख्यमंत्री सहु चुकद ही गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पंजाब के अंदर गैंगस्टर का सफाया हो रहा, बिल्कुल पंजाब जी पंजाब की धरती आ, गुरुआ पीर की धरती आ, उन्होंने गैंगस्टर तो मुक्त करावे और पंजाब के अंदर साफ सुथरा प्रशासन काम कर रहा है, बिल्कुल अमन कानून। लेकिन चीमा साहब गैंग वॉर तो जो राजा वो हुई है ना कि दो गैंगस्टर कट्ठे रखे उ। देखो मैं कह रहा कि जिहड़े गैंगस्टर पैदा होए ने गे, ये रातों रात तो पैदा नहीं हो गए, कोई 24 घंटे च गैंगस्टर नहीं बन जाता हों गा, उसके लिए लोगों ने बड़ा लंबा इन्होंने चाहे वह कांग्रेस पार्टी के समय होया, सब नूं पता गा कि पंजाब की विधानसभा के अंदर किस तरह मैं जिहड़े गैंगस्टर होंदे सीगे जिन्हां दा नाम कांग्रेसी मिनिस्टर बोलता तो असं उन्होंने एक्सपोज करते थे, अज वो गैंगस्टर जोड़े ने गे वो अज मैं समझना पंजाब के अंदर खत्म हो रहे हैं। सो बिल्कुल पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनावे। इंसीडेंट तो बाद लोगों के भी डर बढ़ता जा रहा है कि अजिहिया चीज़ा पंजाब के अपनी थान बहुत तेजी बना ली। देखो मैं समझना अजनला के अंदर पंजाब पुलिस ने बिल्कुल बड़ी सूझबूझ के नाल काम लिया और ये हालात ये कि गुरु ग्रंथ साहब नूं अगे रख के कितना कितने मैं समझना गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का बेअदबी करने का यत्न किया जा रहा है। सो पंजाब पंजाब पुलिस ने जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस ने जिहड़ा अपनी सूझबूझ तो कम लैके टकराव टालिया गा, बिल्कुल अमन कानून सिचुएशन जी ठीक आ, किसी ने कानून अपने हाथ लैण की आग्या नहीं हैगी। हरपाल चीमा साढ़े नाल सी, तां किस कदर इन्होंने बखूबी तरीके दस्सिया कि किस तरह पंजाब सरकार दे उत्ते भावें आम आदमी पार्टी दिल्ली दे विच हैगी आ तां उत्थे जिहड़ा है दबाव बनाने की कोशिश है, तो अक्सर अडानी भावें अंबानी की गल की जाए उसके उत्ते कोई गलबात नहीं करते, उन्हां दे उत्ते गलबात करन तो भजदे ने, तो अजिहा जिहड़ा कहा गया वित्त मंत्री हरपाल चीमा साढ़े नाल सी तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के उत्ते निशाने साधे ने अपने जिहड़े ने बखूबी तरीके दे नाल जवाब दिते ने। विचार साढ़े नाल जूसां जेकर कैमरा सहयोग दे सी शिवा, धन्यवाद।